नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य लेकर आई हूं आपका पसंदीदा जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, जी हिंदुस्तान के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। आज इस शो में हम बात करेंगे माइग्रेन यानी कि अधकपारी की। कहते हैं मानसिक सुकून सबसे बड़ा सुकून है और माइग्रेन आपका वही सुकून छीन लेता है। चरक संहिता में इसे कान, आंख और ललाट के आधे हिस्से में किसी औजार से काटने जैसी पीड़ा होती है, अर्धाव भेदक। ज्यादा बढ़ने पर आंख और कान हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं, तो इस बीमारी की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है। इसलिए डॉक्टर चौहान आज इस बीमारी का आयुर्वेदिक समाधान आपको बताएंगे। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माइग्रेन, जिसे आम भाषा में अधकपारी कहते हैं, ये कितने तरह की होती है और इस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और इसलिए अच्छा है कि बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। बहुत भयंकर रोग है, बहुत ही जो है पीड़ा देने वाला रोग है। अधकपारी, कपारी कहते हैं सिर को, आधा शीशी भी बोलते हैं इसको, या आधे सिर में दर्द होता है इसके लिए इसको अधकपारी कहते हैं। आयुर्वेद में जैसे आपने डिस्क्राइब किया, अर्धाव भेदक के नाम से इसका वर्णन है और आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं। देखिए आयुर्वेद की महानता, देखिए हजारों वर्ष पहले, आज मॉडर्न मेडिसिन भी इतने प्रकार के सिर दर्द नहीं बताएगी, मोस्टली वो 4-5 प्रकार के सिर दर्द आपको बताएंगे, लेकिन आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर शूल के नाम से रोग आता है। और जैसे आपने पूछा कि माइग्रेन कितने टाइप का होता है, तो मॉडर्न दृष्टि से देखें तो दो टाइप का वो कहते हैं, एक विद ऑरा। ऑरा का मतलब कि जब आंखों के आगे लाइट की फ्लैशेस आपको दिखाई देती हैं, या कभी ऐसे लगता है कि आंख में कुछ लाइट, चमकीली लाइट जा रही है, कभी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और साथ में दर्द भी होता है। और दूसरा होता है विदाउट ऑरा, यानी कि जिसमें ये फ्लैशिंग लाइट्स वगैरह नहीं होती, केवल दर्द। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है आयुर्वेद की दृष्टि से कि ये जो रोग है इसका जो है मूल कारण क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कई बार ये रोग, ये जो दर्द है सिर में, जो दर्द होता है आधे सिर में आंख के पीछे, ये लगभग 2 घंटे से लेके 2-3 दिन तक चल सकता है। यानी कि कई बार कोई दवाई काम करती नहीं है, पेशेंट को डार्क रूम में जाकर के सोना होता है, उसको लाइट अच्छी नहीं लगती, उसको कोई आवाज अच्छी नहीं लगती और बहुत ही भयंकर पेन होता है, जैसे सिर में हथौड़े कोई चला रहा है, जैसे आपने कहा कि कोई काट रहा है अंदर से, इस तरह का दर्द इसमें होता है। तो रोग बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर छोटी छोटी सी आप प्रिकॉशन लें तो आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको पेट साफ अपना जरूर रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो, अगर है तो जीवा का त्रिफला चूर्ण या जीवा का मुक्ति चूर्ण रात को सोते समय ले लीजिए। पेट में गैस, एसिडिटी या अपच किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो लवण भास्कर चूर्ण जीवा का बहुत बढ़िया है, डाइजेस्टॉल भी साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा जो है नाक में अणु तेल जरूर डालिए, रात को सोते समय डाल सकते हैं, दिन में भी डाल सकते हैं, और सिर में मालिश करिए, कोई भी तेल ले सकते हैं, नहीं तो जीवा का मसाज ऑयल बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको करनी है, लेकिन माइग्रेन जो है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या है। दुनिया भर के पेशेंट आते हैं हमारे पास जीवा में, और अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है कि माइग्रेन का इलाज हम आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं, आयुर्वेदिक उपचार, उसमें पर्सनलाइज्ड दवाइयां और पंचकर्म दोनों मिलकर के पेशेंट को बहुत लाभ होता है। डॉक्टर चौहान, अधकपारी का आयुर्वेदिक इलाज किस तरह से किया जाता है और जीवा में माइग्रेन के मरीजों को दवा के साथ साथ और किन तरीकों से आराम पहुंचाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो लक्षण है उसको समझ लीजिए, रोग कोई भी हो आपको पता होना चाहिए कि आपको माइग्रेन हो चुका है। अगर आपको जो है लक्षण है कि आपके सिर में दर्द होता है, माथे के साइड में, कनपट्टी के एरिया में, या फिर बहुत तेज दर्द होता है जैसे कोई हथौड़ा चला रहा है, बार बार जो है वो आता है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, किसी को तो हर रोज ही रहता है सिर दर्द, जो ऐसा नहीं होगा वो कभी कभी होता है, दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिन तक चल सकता है, मैंने कहा लाइट, म्यूजिक, नॉइज, ये पेशेंट को पसंद नहीं होता, उसको जी मचलाना, उल्टी आना, इस तरह की चीजें होती हैं। और खास तौर से अगर उसको एसिडिटी बनती है या मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन उसको रहती है,
नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो आपके जो माइग्रेन के जो रोगी हैं वो हमेशा जो है ध्यान रखें कि रूट कॉज क्या है। एक आपको मैं यहाँ पर एक जीवाग्राम में आपने पूछा हम क्या क्या करते हैं या चिकित्सा के साथ क्या क्या करते हैं, वो तो जीवाग्राम में योग भी कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, उसके साथ राग चिकित्सा, उसके अलावा जो है मर्ड थेरेपी, आर्ट थेरेपी, कई तरह की थेरेपीज, क्योंकि मानसिक लेवल पर भी आदमी इसमें बहुत परेशान है। एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, जीवाग्राम का ये पेशेंट है और ये पेशेंट जो है 10 साल से माइग्रेन के रोग से पीड़ित था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब जीवाग्राम में आया पेशेंट तो इसको हमने 7 दिन का स्नेहन और फिर उसके बाद 7 दिन स्वेदन, फिर उसका विरेचन कराया। विरेचन बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट है, नस्य भी इसको किया 7 दिन का और शिरोधारा भी की 7। तो लगभग जो है इसको कई तरह की चिकित्सा हमने की और पेशेंट को जो है दूसरे महीने से वहाँ जीवाग्राम में जब रहा वहाँ इसको कुछ रिलीफ आया, उसके बाद इंटरनल मेडिसिन इसको खाने को दी तो दूसरे महीने में ही काफ़ी रिलीफ इसको दर्द में महसूस हुआ। देखिए कई बार पेशेंट्स को क्या होता है कि आपको मैं आपको भी बता दूं, माइग्रेन के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कई बार उनको इंटेंसिटी ऑफ पेन जो उसकी पीड़ा है उसमें उतना रिलीफ शुरू में नहीं मिलता, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ मतलब कम हो जाती है। अगर पहले पेन जो है 15 दिन में एक बार आ रहा है तो फिर महीने में एक बार आएगा उसी तरह से। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कह रहे हैं जी 3 महीने से दवाई खा रहे हैं अभी दर्द तो उतना ही हो रहा है, लेकिन अभी पहले जो है 4 बार होता था अब एक ही बार होता है, ये फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो दूसरे लक्षण है एसिडिटी या पेट में जो है कुछ प्रॉब्लम है, कब्ज है, जैसा कि इस पेशेंट को भी देखें तो इसको 3rd महीने में रिलीफ आना शुरू हो गया और लगभग 7 महीने इसने दवाई खाई, बहुत जल्दी आराम आया। 10 साल का पेशेंट 7 महीने में अगर ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इसने पंचकर्म को चूज किया है। कुछ लोग जो है माइग्रेन वाले हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पंचकर्म कराइए, लेकिन वो कहते हैं अभी बाद में आएंगे, तो दवाई से उतना रिलीफ एवरी नहीं मिल पाता, उसमें फिर 1.5 साल 2 साल दवाई चलती रहती है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप पंचकर्म भी जरूर करें। सर, अगर कोई भी इंसान माइग्रेन को हल्के में ले और वो समझे कि केवल सिर दर्द ही तो है, वो समय से इलाज ना कराए, तो उसकी परेशानी किस हद तक बढ़ सकती है? जी देखिए, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर दर्द हो या कोई भी दर्द हो शरीर में, पेट दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर दर्द हो, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द की बात कर रहे हैं, माइग्रेन की बात कर रहे हैं, ये आगे चलकर के कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। ना केवल कॉम्प्लिकेशन, आदमी जो है एक तरह से डिसेबल हो जाता है, यानी कि कुछ काम ही नहीं कर पाता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो काम नहीं कर पाते, घर में ही रहना पड़ता है। शुरू में जो है एक कम प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, फिर माइल्ड डिसेबिलिटी होगी, फिर मॉडरेट होगी, फिर सीवियर बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे प्रॉपर तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेद में जो माइग्रेन की चिकित्सा होती है उसमें हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस रूट कॉज को रिमूव करते हैं, फिर जो भी दोष होता है उस दोष को हम, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मैं समझा रहा हूँ आपको, जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, और उसके अग्नि की चिकित्सा की जाती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म ठीक किया जाता है, माइंड के लेवल पर भी काम किया जाता है, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग किया जाता है, रसायन थेरेपी भी उसको देते हैं, यानी कि जो शरीर में ओजस बने, उसकी इम्यूनिटी बढ़े, और पर्सनलाइज डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये तो हो गया ट्रीटमेंट जब आप इंटरनल मेडिसिन लेते हैं। साथ में पंचकर्म चिकित्सा जो है उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे जो है आपका रिलीफ काफी जल्दी होगा, इंस्टेंट रिलीफ भी काफी मिलता है, एक्टिव क्लीनिंग ऑफ टॉक्सिन्स उसमें होती है, और शिरोधारा जैसी, नस्य जैसी जो चिकित्सा हम वहाँ करते हैं उनका लाभ मिलता है। तो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया कि रूट कॉज क्या है, नाइट शिफ्ट है या स्ट्रेस है या फिर जो है ओवर ईटिंग है या कोई क्रॉनिक एसिडिटी आपको है, ये तमाम चीजें हमको पहले समझनी है और उसके अनुसार प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका। डॉक्टर चौहान, हम अक्सर सिरदर्द होते ही पेन किलर ले लेते हैं, ऐसे में हमें ये बताइए कि माइग्रेन के केस में सिर्फ
पेन किलर पर निर्भर रहना फायदे का फैसला है या नुकसान का? जी देखिए, पेन किलर्स जो है वो आप सभी को मालूम है कि पेन किलर्स एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए होता है। दर्द को, अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आपको, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वहां पेन किलर लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, माइग्रेन के पेशेंट में खासतौर से मैंने देखा है, या कोई भी सिर दर्द हो किसी प्रकार का, हल्का सा दर्द होते तुरंत पेन किलर लेते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि पेन किलर यदि आप लेंगे, ज्यादा पेन किलर लेने से, डॉक्टर लोग भी आपको बताते ही है कि उससे आपकी किडनी खराब होती है, उसके साथ साथ जो है आपके लिवर में प्रॉब्लम आती है, या फिर जो है पेन किलर से हमारे शरीर में, हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें क्योंकि केमिकल बेस है, तो पित्त की वृद्धि होगी, एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा, कई बार डॉक्टर आपको साथ में एक एंटासिड भी देते हैं, तो ये तमाम नुकसान इसके होते हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि फायदा एक है, नुकसान काफी सारे हैं। तो अगर दर्द के लिए भी आपको चाहिए तो हमारे यहाँ पर जीवा में भी कई तरह की जो है चीजें हैं, हमारे यहाँ पेन काम बाम है, बहुत बढ़िया बाम है, वो बाम थोड़ा लगा लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको पर्सनलाइज चिकित्सा उसकी करनी चाहिए। केवल पेन को नहीं किल करना है, हमें पेन के कारण को किल करना। तो अगर आप भी अधकपारी जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो बिना देर किए सेहत का नंबर डायल करें और घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पाए। चलिए अब बारी है डॉक्टर चौहान से सेहत का सवाल पूछने की। तो सेहत का सवाल लेकर एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्ते डॉक्टर चौहान सर, मेरा नाम अंतिमा, मेरा आपसे अपनी सिस्टर की रिक्वेस्ट है, उसके पैर के तलवे और कमर में दर्द रहता है, इसके लिए इसका रीजन क्या है, कोई घरेलू नुस्खा हो तो बताइए, धन्यवाद। ये देखिए, आपने घरेलू नुस्खा पूछा है तो जरूर बताएंगे आपको, कमर में दर्द हो या किसी शरीर में किसी तरह का स्टिफनेस हो, जोड़ों में दर्द हो, तो आम तौर पर सरल भाषा में हम जो आयुर्वेद में समझते हैं, तो वात का प्रकोप तो है ही, तो वात को जो है बैलेंस करने के लिए तिल के तेल की मालिश करिए, अदरवाइज तो एक पाव तिल का तेल, 250 मिलीलीटर तिल का तेल, उसमें एक चम्मच लहसुन छोटा छोटा काट करके, एक चम्मच अदरक और एक चम्मच अजवाइन, तीन चीजें लहसुन अदरक और अजवाइन डाल के पका लीजिए, उससे मालिश करिए। नहीं तो बना बनाया तेल, जीवा का पेन काम ऑयल बहुत बढ़िया है, पेन काम पोटली बहुत अच्छी, वो भी आप मंगा के रखिए, कुछ भी आप लगाएंगे एक्सटर्नल, उससे जो है वात का शमन होगा। दूसरी चीज इंटरनल क्या लें जिससे वात का शमन हो, आम का पाचन हो, तो सौंठ, मेथी और हल्दी, तीन चीजें आपके घर पर है, इनको पाउडर फॉर्म में बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच लंच के बाद और डिनर के बाद गुनगुने पानी से। ये तो मैंने आपको बताया कि आप कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए, जैसे आपने पूछा घरेलू नुस्खा, लेकिन रोग को ठीक करने के लिए आपको उसके लिए प्रॉपर इलाज करना है, दवाई लेनी है, औषधि लेनी है, और वो दवाई कौन बताएगा आपको, वो जीवा के डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी इलाज होता है वो पर्सनलाइज होता है, आपके रोग के अनुसार, दोष के अनुसार, अग्नि के अनुसार, आयु के अनुसार, सब चीजें देख करके आपको फिर पर्सनलाइज दवाई बना करके हमारे डॉक्टर्स देंगे, जिसको आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका रोग। डॉक्टर चौहान, रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में मानसिक तनाव से कैसे बचे ताकि माइग्रेन जैसी बीमारी के शिकार हम ना हो, इसके लिए हमारे दर्शकों को कोई टिप्स बताएं। देखिए, बड़ा सरल एक मैं उपाय बता रहा हूँ, एक तो बादाम और अखरोट का सेवन करें, 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको नाश्ते के समय या मॉर्निंग में आप जो कुछ गर्म पानी वगैरह पीते हैं उसके साथ, या आयुर्वेदिक चाय पीते हैं उसके साथ ले सकते। नाक में बादाम का तेल डालिए, उससे भी आपका जो है रिलैक्स रहेगा, और सिर में थोड़ी मालिश भी करिए हफ्ते में 2-3 बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इनका प्रयोग कम करना है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनमें से निकलती है, ये सीधा हमारे जो है ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। उत्तेजक और मादक पदार्थ जितने भी, उनका सेवन ना करें, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे भी हमारे नर्वस सिस्टम में काफी जो है नुकसान होता है। 6-8 घंटे की नींद आराम से लेनी चाहिए, अगर नींद नहीं आती रात को तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, और शिरोधारा और सिर की मालिश जब भी मौका मिले
आप जो है पंचकर्म के सेंटर पर हमारे क्लिनिक्स में जीवाग्राम में आके शिरोधारा वगैरह जरूर कराना चाहिए। और फाइनल मैसेज जो है आप सभी को मेरा, कि माइग्रेन से यदि परेशान है आप, तो बस अब और नहीं, आज ही जीवा से जुड़ जाइए और फिर बाकी काम हम लोग करें। तो आपको माइग्रेन की समस्या हो या कोई और भी बीमारी हो, आप सेहत का नंबर डायल करें और जीवा के डॉक्टर से तुरंत ही अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। जीवा का नंबर जो है वो लगातार, या यूं कहे सेहत का नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। चलिए इस वक्त सेहत का सवाल लेकर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पुष्पेंद्र बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले आपका आभारी प्रकट करना चाहते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपसे ये सवाल पूछने का जो मौका हमको मिले, और इसके लिए हम अपने आपको बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं अपनी पापा के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरे पापा का उम्र है 63 साल और वो रिटायर्ड है। उनका ये दिक्कत है कि उनको एक पेन होता है, पेन कभी सर पे होता है, कभी चेस्ट पे होता है, कभी पीठ पे होता है, कभी पेट में होता है, कभी नीचे जाता है, शरीर के कई हिस्सों में होता है और कभी कभी चेस्ट और सर पे एक साथ होता है। दर्द ऐसा है डॉक्टर साहब कि जैसे मान लीजिए हथौड़ा से पिटने से जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हथौड़ा से पिटने से जैसे महसूस होता है, वैसा ही लगता है कि कोई सर पे हथौड़ा से पिट रहा है। ये देखिए काफी गंभीर समस्या है आपके पिताजी की, और अच्छी बात यह है कि आप अपने पिताजी के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित हैं। बहुत अच्छा ये आपकी आदत है, क्योंकि जो माता पिता का जो आशीर्वाद होता है उससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। आपके पिताजी का जो आपने वर्णन किया कि दर्द जो है वो मूविंग पेन है, तो यहीं से संकेत मिल रहा है। मूविंग दोष कौन सा है हमारे शरीर में? वात। वात जो है वायु वो चलती रहती है, तो कभी कमर में, कभी टांग में, कभी सिर में, कभी कहीं पेट में, दूसरी जगह छाती में, ये मूविंग पेन पहले यही दिखाता है कि वात बढ़ा हुआ है। और वैसे भी ओल्ड एज में है वो, रिटायर्ड एज में है, तो वात वैसे भी नेचुरली भी बढ़ा हुआ है। तो एक तो तिल के तेल से मालिश रोज करिए, अगर आप करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और दूसरा मैं निवेदन यही करूँगा कि आप वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, हमारी क्लिनिक से वेस्ट बंगाल में भी कॉन्टिटी है, तो एक बार या तो वहां जाकर के डॉक्टर से दिखा दीजिए, नहीं तो जैसे आपने अभी वीडियो के माध्यम से कॉल किया है, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके पिताजी से हमारे डॉक्टर की डायरेक्ट बात करें, ताकि वो उनको देख भी सके आपके बारे में, और भी जो प्रश्न उन्होंने पूछने वो पूछेंगे, और उसके बाद एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना करके उनका इलाज शुरू करें। और आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि उनको एक बार आप पंचकर्म के लिए जीवाग्राम भी लेकर आए, ताकि उनका रिलीफ जो है और थोड़ा सा जल्दी हो, स्पीड अप हो जाए। पंचकर्म से जो है काफी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और कई बार जिस चीज में हमें 6-8 महीने लग जाते हैं वो 2-3 महीने में काम हो जाता है, इसलिए पंचकर्म के लिए बार बार आपको सजेस्ट करें। तो अगर आप भी माइग्रेन या किसी भी बीमारी से परेशान हैं, तो आज ही जीवा के डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए कंसल्टेशन बुक करें और बीमारी का समाधान पाएं। जीवा के सेहत का नंबर है 01294044044। डॉक्टर साहब, आज आपने माइग्रेन जैसी बीमारी का आयुर्वेदिक समाधान हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान में कल किसी और बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको घर बैठे उसका समाधान भी बताएंगे। नमस्कार।